Students, welcome to the online study system of CR International School. Today we are going to start our first poem, that is The Road Not Taken, written by Robert Frost. Students, Robert Frost is an American poet and he is very popular for his simple writing. Means वो बहुत ही simple language में लिखते हैं, but जो उनके simple words हैं वो हमें बहुत गहरा meaning दे जाते हैं. उनकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ऑर्डनरी है, मतलब बहुत ही साधारण तरीके से वो लिखते हैं, बट उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है. एंड वो हमें सिखाते हैं दैट हाउ टू यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन टू सजेस्ट समथिंग दैट हैड प्रोफाउंड मीनिंग. कैसे हम सिंपल वर्ड्स का और एक्सप्रेशन का यूज़ करके कुछ ऐसा शो कर सकते हैं जिसका मीनिंग जो है वो बहुत ही गहरा हो. ये हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री से देखने को मिलता है. सेकेंड थिंग, वो हमेशा अपनी पोएट्री के अंदर साउंड, सेंस एंड इमोशन तीनों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं. मीन्स ये तीनों ही आप इस पोएम में भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे साउंड को, सेंस को और इमोशंस को तीनों को एक ही साथ इस पोएम के अंदर मेंशन किया गया है. राइट, सो शैल वी स्टार्ट द पोएम. टू रोड्स diverged in a yellow wood. टू रोड्स यानी कि दो रोड. अब इस पोएम के थ्रू हमें ये पता चलता है कि लाइफ में हर किसी के पास कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप के ऊपर चॉइसेस आती हैं. मीन्स कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा जो वे होगा, कौन सा रास्ता होगा और कौन सी चॉइस हमारी बेटर होगी जिससे हमारा डिसीजन जो है वो ऐसा हो जिस पे हमें रिग्रेट ना करना पड़े. तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता है. सो द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येल्लो वुड. येल्लो वुड मीन्स वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट. मीन्स पोइट जो है वो फॉरेस्ट में से जा रहा है, यानी कि वो एक जंगल में से जा रहा है. येल्लो क्यों बोला है उसको, बिकॉज ऑटम सीजन है तो लीव्स जो हैं वो ट्रीज़ के येल्लो हो गए हैं, पीले हो गए हैं, तो इसलिए उसको येल्लो वुड बोला है. डाइवर्स, डाइवर्स का मीनिंग होता है सेपरेट, सेपरेट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, दो अलग डायरेक्शंस में दोनों रोड जो है वो अलग हो गए हैं. सो पोएट जो है वो फॉरेस्ट में से जा रहा है और वो एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पर दो रोड निकल रहे हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जा रहे हैं. एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ. अब पोएट जो है वो अपने आप सॉरी फील कर रहा है अपने आप में. क्यों कर रहा है, क्योंकि वो दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता. अब बिंग अगर हम कहीं जाते हैं और हमारे सामने चॉइस हो दो रोड्स की, हमारे सामने भी टू रोड्स आ जाए, तो हम अकेले हैं तो दोनों रोड्स पे हम कैसे जा सकते हैं, हम तो एक ही रोड पे जा सकते हैं ना. ऐसे ही पोएट भी है वो सॉरी फील कर रहा है अपने ऊपर कि मैं सिर्फ एक ही रोड पे जा सकता हूँ, दोनों रोड्स पे वो ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर, और क्योंकि वो एक अकेला ट्रैवलर है, वो अकेला यात्री वहाँ पर, तो वो दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकता. इस बात का उसे बुरा लग रहा है तो वो सॉरी फील कर रहा है अपने आप. लॉन्ग आई स्टूड, वो वहाँ पर खड़ा रहता है और काफ़ी टाइम तक उसको देखता है, दोनों रोड्स को वो देखता है वहाँ पर. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो की तरफ देखता है एज फार एज आई कुड, जितनी देर तक वो देख सकता था वो उस रोड को दूर तक देखता है. मीन्स जितना दूर तक उसका विज़न था, जितना उस देर तक वो देख सकता था, उतनी दूर तक वो वहाँ खड़े होकर उस रोड को देखता है. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. टू वेयर मतलब जहाँ से वो इट बेंट, बेंट का मतलब होता है टर्न, एक मोड़ आ जाना. इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर छोटे छोटे बुशेज, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, बड़े बड़े प्लांट ट्रीज तो होते ही हैं, उनके साथ साथ जो नीचे नीचे जो छोटे प्लांट्स और बुशेज जो ग्रो हो जाती है वो उग जाती है, तो वो उसको कहते हैं अंडरग्रोथ. यानी कि वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे होते हैं उनको अंडरग्रोथ बोलते हैं. तो उनकी वजह से उसका विज़न जो है वो ब्लॉक हो जाता है. फर्स्ट विज़न किस लिए ब्लॉक हो जाता है, फर्स्ट तो क्या कि मोड़ आ जाता है, और अंडरग्रोथ की वजह से उसका जो विज़न है वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब अब वो उस रोड को और आगे तक नहीं देख सकता. मीन्स सपोज हम किसी स्ट्रीट किसी गली के अंदर खड़े हैं, राइट, हम उस गली को दूर तक देख सकते हैं. कहाँ तक देख सकते हैं, जब तक कि वो गली जो है वो मुड़ नहीं जाती. अगर वो गली मुड़ जाती है, वो स्ट्रीट वहीं से मुड़ जाती है, तो हम उस के अंदर और आगे नहीं देख सकते ना, हम तो वहीं तक देख सकते हैं जहाँ तक वो गली हमें दिखाई दे रही है. उसमें अगर टर्न आ गया तो हम नहीं देख सकते. सेम विद द पोएट, पोएट के साथ भी ऐसा हुआ है.
ही वॉज स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़ा था एंड लुकिंग एट बोथ द रोड, और वो दोनों रोड्स की तरफ देख रहा था, और कब तक देख रहा था, वेन देर इज़ अ बेंड, जहाँ जब तक वहाँ पर उनका बेंड जब तक कि मोड़ नहीं आ गया है, एंड हिज विजन वॉज ब्लॉक, जब तक उसका विजन जो है वो ब्लॉक नहीं हो गया, किसकी वजह से, अंडरग्रोथ, वहाँ पर जो अंडरग्रोथ थी जो उगी हुई थी वहाँ पर पेड़ पौधे, उनकी वजह से जब तक उसका विजन ब्लॉक नहीं हो गया, वो उन दोनों रोड्स को वहाँ पर खड़ा होके देखता रहा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर उसने दूसरे को देखा, जस्ट एज फेयर मतलब वो उसको फेयर मीन्स अट्रैक्टिव लगा, उसने दूसरे रोड को देखा जो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसको लगा कि शायद ये बेटर क्लेम मतलब ये ज़्यादा डिजर्विंग है, ये रोड जो है वो ज़्यादा क्लेम कर रहा है, ज़्यादा डिजर्विंग रोड है। उसने दूसरे को देखा, पहले रोड को देखा, तब तक देखा जब तक कि वो रोड जो था वो मुड़ नहीं गया, उसको देखना जो था वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब वो दूसरे रोड की तरफ देख रहा है, वो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मीन्स यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो पोएट है वो एडवेंचरस है, राइट, एंड ही लाइक टू टेक चैलेंजेस, और उसको पसंद है कि वो चैलेंज ले अपनी लाइफ में, कुछ अलग से करे वो, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, और वो उसको क्यों लग रहा था कि वो बेटर क्लेम मतलब उसको ज़्यादा चांस मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वो ग्रासी था, उस पर ग्रास मतलब घास उगी हुई थी ज़्यादा, एंड वॉन्टेड वियर, और ज़्यादा जो था वो यूज़ नहीं किया गया था लोगों के लिए, राइट, वहाँ से ज़्यादा लोग जो थे पैसेंजर्स जो थे वहाँ से नहीं गए थे। दाओ एज फोर दैट द पासेंजर, अब वो फिर से कन्फ्यूज हो जाता है वहाँ पर खड़े होके, पहले उसने सोचा कि दोनों रोड को ध्यान अच्छे से देखता हूँ, लेकिन फिर वो दूसरे रोड को चूज़ करता है जो ग्रासी भी था और जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसको कम यूज़ हुआ है, बट फिर भी वो दोबारा से कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एज फॉर दैट किस लिए यूज़ हुआ है, फॉर दैट मीन्स उस रोड के लिए, दूसरे रोड के लिए, द पासिंग देयर मतलब वहाँ से जो भी लोग गए हुए हैं, जिन्होंने उसको जिस जो उस रोड से गुजरे हैं वहाँ से, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, शायद उसको वो लग रहा है कि जितना उन लोगों ने यूज़ किया है उस रोड को, शायद वो भी उसके जैसा ही हो, सेम वो भी, दोनों में कोई फ़र्क ही ना हो, दोनों में से इक्वल लोग ही वहीं से गुजरे हों। तो पहले तो उसको वो रोड क्या लग रहा था कि ये रोड जो है वो कम, यहाँ से लगता है शायद कम लोग गए होंगे, लेकिन अब वो जब उसने वो रोड चूज़ कर लिया है तो उसको ये लग रहा है कि इस रोड से भी शायद उतने ही लोग गए हैं जितने कि पहले वाले से, तो अब वो फिर से कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है जब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? सपोज हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा चूज़ करना है, चाहे वो अपने करियर को लेके है या फिर हमें कोई किसी सब्जेक्ट को लेके है कि कौन से सब्जेक्ट से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस में हमें अपना करियर बनाना चाहिए, तो वहाँ पर जाकर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पोएट का सीधा लिंक जो है वो हमारी लाइफ में जो फेस होने वाली कन्फ्यूजन्स है उनके ऊपर है, कि हमें जो है जब भी हम कोई भी डिसीज़न ले, किसी भी रोड को चूज़ करें, वो रोड ऐसा होना चाहिए जिस पे हमें रिग्रेट ना हो, और वो रोड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको थोड़े चैलेंजेस भी मिले, थोड़ा एडवेंचरस होना चाहिए। एंड जब तक हम ऐसे रोड को चूज़ नहीं करते हैं, मीन्स हम अपने लाइफ के अंदर कुछ अलग नहीं कर पाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कुछ अलग करना चाहता था, इसीलिए उसने क्या लिया, दूसरा रोड लिया जो लोगों ने कम यूज़ किया था और जिस पे जो था वो उसको लगा कि बहुत कम लोग गए होंगे, उसने वो रोड चूज़ किया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.